हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। 10th क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ लेसन 1 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन, विच इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। आज हम इसकी समरी करने वाले हैं। समरी करते करते ही इसके जो तीनों करेक्टर्स हैं, मिस्टर हैरियट हैं, ट्रिकी द डॉग है और मिसिज पम्फ्री है, इन सब की करेक्टरिस्टिक्स आप एक एक करके नोट करते जाना। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि आपको क्या लगता है मिसिज पम्फ्री के बारे में। ये इन तीनों का करेक्टर स्केच हो जाएगा। आप बनाने वाले हैं इस समरी को। देखते रहिए, देखते बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास हैं लास्ट ईयर मार्च 2020 के 10th के क्वेश्चन पेपर और साथ ही मार्च 2019 के भी क्वेश्चन पेपर। इन दो वर्ष में, इन लास्ट टू years, so many questions of this lesson are asked which are very important. मैं उनको भी करने वाला हूँ। साथ ही लास्ट में आपके लिए है क्विज, ताकि आप बने रहें मेरे साथ अंत तक। मैंने 11 क्वेश्चन क्विज के बनाए, क्योंकि क्वेश्चन 13 आपका रहता है, एक एक नंबर का आते हैं, तो मैंने 11 क्वेश्चन का एक क्विज बनाया है। उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है इस समरी को सुनने के बाद, जिसे आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए समरी कर लेते हैं। मिसिज पम्फ्री जो हैं अपने डॉग ट्रिकी के साथ वॉक पर हैं, रोड पर जा रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तभी जो है मिस्टर हैरियट, जो कि वेटनरी सर्जन हैं और वो कांटेक्ट में रहते हैं मिसिज पम्फ्री से, उनके डॉग को कोई प्रॉब्लम होती है, वो उनके वेट हैं, वो मिलते हैं रास्ते में और उसका हालचाल पूछने के लिए रुकते हैं। द वे ट्रिकी वाज टॉटरिंग, वो उसको देखते हैं, उन्हें ट्वीड कोट डाला हुआ है। ही लुक्स ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, सूलन जो फैट वो लगता है, उसकी आंखें जो हैं रेड हैं और उसकी टंग जो है लॉल करती रहती है। तो वो उसको बताती है कि डॉक्टर साहब, दिस डेज मिस्टर हैरियट ही इज़ लिस्टलेस, आई थिंक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, दो आई एम गिविंग हिम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील्स, माल्ट आई एम गिविंग, बाउल्स ऑफ हॉर्लिक्स आई एम गिविंग, बट ही इज़ नॉट ईटिंग दिस डेज। तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि तुमने इसको कुछ एक्सरसाइज भी करवाती हो या खिलाती ही रहती हो? तो वो कहती है कि एक्सरसाइज में तो लिटिल वॉक्स ही हैं आजकल, बाकी जो रिंग्स की एक्सरसाइज है वो आजकल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर है वो छुट्टी पर गया हुआ है, गांव गया हुआ है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो वो उसको बोलता है मिस्टर हैरियट कि मैडम, यू हैव टू हार्डन योर हार्ट, आपको दिल पक्का करना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन डाइट, एक्सरसाइज इसकी करवाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको मुश्किल होने वाली है और ये बीमार होने वाला है। तो ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा ही होता है। 3-4 दिन बाद मिसिज पम्फ्री उसको अपने क्लिनिक पर कॉल करती है कि ये कुछ भी नहीं खा रहा है, ट्रिकी इज़ नॉट ईटिंग एनी थिंग, इवन हीज फेवरेट डिशेज ही इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, एंड ही इवन वॉमिटेड लास्ट नाइट। और वो उसको बोलती है कि ही इज़ पैंटिंग ऑल द टाइम, ही इज़ नॉट वॉकिंग इवन, एंड ही इज़ लाइंग आइडल ऑन द फ्लोर ऑल द टाइम। तो ये सब बताती है। तो डॉक्टर आते हैं, मिस्टर हैरियट उसके मिसिज पम्फ्री के घर आते हैं और उसको देखते हैं। वो बोलता है कि ही हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 15 डेज अंडर माय ऑब्जर्वेशन। ये सुन के उसको बड़ा दुख होता है मिसिज पम्फ्री को कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर हैरियट, व्हाट टू टॉक ऑफ 15 डेज, ही कैनॉट लिव विदाउट मी इवन फॉर आवर्स, यू नो, वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे से इतने दिन दूर रहे। तो क्योंकि वो बिल्कुल उसके लिए बच्चे की तरह प्यार करती है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एंड शी स्टार्ट्स वेलिंग इवन, रोने लग जाती है। वो बोलती है कि ये तो मर जाएगा, मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता ये, ही विल डाई। तो वो कहता है कि नो नो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस, यू डोंट वरी। देन इट इज़ डिसाइडेड दैट ट्रिकी इज़ टू बी टेकन टू मिस्टर हैरियट्स क्लिनिक। तो उसके सर्वेंट्स, उसकी मेड सभी आ जाती हैं विद ऑल हिज टॉयज, बेड्स, कॉट्स एंड ईटिंग्स डिशेज, वो सब जो है उनकी गाड़ी में डाल देती हैं। मिस्टर हैरियट उसको अपने साथ वाली सीट पर बिठाता है और वो अपने क्लिनिक की ओर चल देते हैं। वो उसको रस्ते में पैट करता है, वो देखता है कि मेरी गाड़ी में तो इतना सामान कभी आज तक हमने रखा नहीं था और ये इस ट्रिकी के लिए इतना सामान मेरी गाड़ी में भरा पड़ा है। तो इससे पता लगता है कि वो कितनी ओवर केयरिंग है, एक्सेसिव लव है, या यूँ कहें फुलिशली इंडलजेंट है। तो ये आपने एडजेक्टिव जो हैं ट्रिकी के भी और पम्फ्री के भी देखते रहना है, मिस्टर हैरियट के भी, और मुझे कमेंट में बताते रहना है। ये करेक्टर स्केच अपने आप आपके बन जाएंगे। तो क्लिनिक पर उसको वो ले जाता है और वो मोशनलेस उसको कारपेट पे रख देता है। शुरू में तो वो बिल्कुल मोशनलेस ही रहता है,
अदर्स डॉग्स जो हैं उसके पास आते हैं, उसको स्निफ करते हैं और वो देखते हैं कि ये तो बड़ा लेजी सा एक नया पेट आ गया है डॉग और ये तो अनइंटरेस्टिंग सा है, तो उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो 2 दिन तक उसको डॉक्टर हैरियट जो हैं अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ही कीप्स एन आई ऑन ऑन ट्रिकी एंड ही गिव्स हिम नो फूड फॉर 2 डेज, जस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर इज गिवन टू ट्रिकी एज डॉक्टर नाउज वट वाज द कॉज ऑफ हिज इलनेस। उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली में ही उसको कोई बीमारी नहीं थी बल्कि ओवर फीडिंग की बीमारी थी क्योंकि उसकी मालकिन ओवर केयर थी। तो वो स्टार्ट उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, तो 2 दिन तक उसको कुछ नहीं देता है पानी के अलावा, और 2 दिन की समाप्ति पर डॉग स्टार्ट्स हैविंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स इन द क्लिनिक, और 3rd डे पर वो घुलने मिलने लगता है, विम्पर करता है दूसरे डॉग्स के साथ क्लिनिक में, वो खेलने भी लगता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर हैरियट ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ट्रिकी और अदर डॉग्स के साथ जो है हाई स्पीड ईटिंग कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो सबसे पहले ख़त्म करेगा बाकी बचा हुआ उसे ही मिलेगा, तो एक कॉम्पिटिशन सा हो रहा होता है। तो वो एक्टिव होने लग गया है, उसे खुशी होती है, रैपिड प्रोग्रेस उसकी हो रही है, वो कलाबातियाँ भी खाने लगा है, वो जंप भी करने लगा है, वो खेलने भी लगा है डॉग के साथ। हालांकि डॉक्टर उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है और उसकी एक्सरसाइज और प्लेंटी ऑफ वाटर और लिटिल फूड जो उसको दिया जा रहा है वो एक्टिव होता चला जा रहा है। नाउ ही इज़ एक्सेक्टेड मेंबर ऑफ दैट गैंग ऑफ डॉग्स हु आर हंटिंग रैट्स, क्योंकि वहाँ पर मुर्गी खाना भी होता है उनका, उसमें वो चूहे हैं उनको भी पकड़ता है। तो ट्रिकी वाज फीलिंग गुड देयर, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हीज लाइफ। ऑन दी अदर हैंड मिसिज पम्फ्री जो है 4-5 दिन हो जाते हैं तो वो क्या करती है कि डेली डजन टाइम्स अ डे फॉर द न्यूज़ बुलेटिन के है, वो उससे खबर लेती रहती है कि अब कैसा है अब कैसा है। तो डॉक्टर भी जो है उसको डोज करता रहता है कि हाँ हाँ मैं उसका बहुत अच्छा इलाज कर रहा हूँ, हालांकि इलाज के नाम पे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, नो मेडिसिनल है, जस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लिटिल फूड एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो वो उसको डोज करता रहता है और उसको ये ज़रूर बता देता है कि ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर, ही इज़ इम्प्रूविंग, ये ही एंड शी व्हेन शी गेट्स दिस न्यूज़ दैट ट्रिकी इज़ इम्प्रूविंग शी फील्स वेरी हैप्पी एंड शी स्टार्ट सेंडिंग हिम 2 dozens ऑफ एग्स एवरी डे एंड वाइन एंड ब्रैंडी फॉर ट्रिकी टू ईट। सो इट वाज अ पार्टी टाइम या लग्जरियस राउंड्स फॉर द स्टाफ ऑफ क्लिनिक, हिज फ्रेंड्स एंड डॉक्टर हैरियट, दे वांटेड टू कीप हिम एज ए परमानेंट गेस्ट इन द क्लिनिक। वो चाहते हैं कि ऐसा हमारे को दिन की शुरुआत एग्स के साथ हो रही है, दोपहर को वाइन मिल रही है, रात को ब्रांडी मिल रही है, तो ग्रेट डेज डॉज वर, वो चाहते हैं कि ये परमानेंट गेस्ट ही हमारा बन जाए। बट उसे मालूम है कि ज़्यादा दिन हम ऐसा नहीं रखेंगे, तो आफ्टर 15 डेज वट हैपन्स जो है उसको After 15 days what happens, Tricky is quite well now and he Mr. Harriet calls Mrs. Pumphrey for collection that she is being awaited for collection of Tricky. वो सुन के बहुत खुश होती है। Within 30 minutes a 30 feet long black metal car जो उसके गेट पर आती है क्लिनिक पर, और मिसिज पम्फ्री उसमें बैठी है, उसके हर हैंड्स आर क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर और हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, उसके होंठ कांप रहे हैं। बड़ा इमोशनल सीन जो है लास्ट में जेम्स हैरियट ने दिया है कि कैसे, देखिए आप पता लगता है करेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मिसिज पम्फ्री की, ट्रिकी की और मिस्टर हैरियट की भी, तो कौन ट्रिकी है ये भी आप देखिए। वो उसको बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर हैरियट टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली वेल, क्या वो सच में ठीक हो गया है, घर ले जाने के लायक हो गया है। ये सुनकर मिस्टर हैरियट लॉन में जाते हैं जहाँ पर डॉग जो है अदर डॉग्स के साथ ईयर फ्लैपिंग कर रहा है, टेल वेविंग हो रही है। नाउ ट्रिकी हैज़ टर्न्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड हेल्दी डॉग में वो बदल गया है। He was keeping up well with the pack of dogs there. Seeing mistress जो अपनी मालकिन को देखता है तो वो tremendous leap जो है उसकी गोदी से उतरता है और he sailed in her lap, उसकी गोदी में वो कूद जाता है जैसे डॉग को होता है अपने मालिक को देखकर, तो उसके मुंह से ऊस वो स्वाम्ड हो जाता है, उसको लिक करता है, बार्क करता है अपनी मालकिन की गोदी में, और all his accessories of tricky which was there in the clinic which were never used, वो भी जो है वापस गाड़ी में रखी जाती है
कार मूव्स इज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टीयर्स आर इन हर आईज एंड हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एली सेज टू मिस्टर हैरियट लीनिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार ओ मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज रियली अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, यही थी ना सर्जरी की जीत। ये जीत होनी चाहिए कोरोना के खिलाफ भी, जो देश ने सर्जरी चला रखी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में, वो भी उसकी भी ट्रम्प होनी ज़रूरी है चिल्ड्रन, और उसमें आप साथ देंगे। तो ये था आपका लेसन वन, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट की समरी हमने की है। आपने मुझे बताना है इस समरी के बेस पर आपको क्या लगा कि मिसिज पम्फ्री की, आप करेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जाइए ट्रिकी की भी लिख दीजिए और लिख दीजिए मिस्टर हैरियट की भी, आप बना रहे हैं करेक्टर स्केच ऑफ दीज थ्री करेक्टर्स। चलिए अब देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मार्च 2019 और मार्च 2020 की एनुअल एग्ज़ाम में 10th क्लास में हरियाणा बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, हरियाणा बोर्ड में एक नंबर के, दो नंबर के और पाँच नंबर के क्वेश्चन इस लेसन से लास्ट टू ईयर्स में आज मैं आपको करवा देने वाला हूँ। ये सेट ए में पूछा गया था, हु वॉज ट्रिकी, हाउ डिड मिसिज पम्फ्रे ऐड टू इट्स प्रॉब्लम, ही वॉज इन प्रॉब्लम, येस इन रियलिटी ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, ओवर फीडिंग वॉज हिज डिजीज, और ये किसकी वजह से था, मिसिज पम्फ्री की वजह से। तो आप लिखिए ट्रिकी वॉज ए लिटिल डॉग, हु वॉज ट्रिकी, वॉज है ना, तो आंसर भी वॉज में दीजिए। तो आप लिखिए इसके आंसर में, ट्रिकी वॉज ए डॉग हु नेवर डिनाइड एनी थिंग टू ईट एनी टाइम, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ ओवर फीडिंग, यस, और उसकी मालकिन कैसे हेल्प करती है, मिसिज पम्फ्री कंटिन्यूड विद गिविंग हिम माल्ट कोड लिवर ऑयल एंड बाउल्स ऑफ हॉर्लिक्स ऑल द टाइम, दस ही बिकेम मोर इल एंड दस मिसिज पम्फ्री एडिड टू इट्स प्रॉब्लम। तो ये आंसर लिखिए, लगभग 30 to 40 वर्ड्स में आपने लिखना होता है, यू कैन काउंट दीज वर्ड्स, 10% यू कैन वेरी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है उसमें चार क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने तीन करने होते हैं, तो इसमें आया था व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल हुम डिड मिसिज पम्फ्री मेक अ फ्रेंटिक कॉल, किसको कॉल किया उसने, या यू रिमेंबर एज वी हैव स्टडीड समरी शी मेड फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट वेटरनरी सर्जन, ये लिखिए आप इसके आंसर में। एक नंबर का आता है तो इसका एक सेंटेंस में आपने आंसर देना है, इट कैन बी इवन अ वर्ड, यू कैन सिंपल राइट मिस्टर हैरियट but it does not look proper, you are 10th class student, you write it in a sentence at least. What was Tricky's real disease, bimari kya thi usko, ek number mein aata hai, ye aaya bhi hua hai, dekhiye aap last year aaya hua hai, Tricky was suffering from, usko koi disease nahi thi, overfeeding thi, to disease hi keh lo usko, to aapne overfeeding likhna hai iska answer, ye ek number mein. Question next dekhiye aap kya aaya tha, Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet? क्यों कॉल किया उसने, ट्रिकी हैड स्टॉप्ड ईटिंग एनी थिंग, ही रिफ्यूज इवन हीज फेवरेट डिशेज, ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन वॉकिंग और डूइंग एनी थिंग, प्लेइंग विद रिंग और बॉल दीज डेज, ही जस्ट कैप्ट लाइंग ऑन द फ्लोर आइडल ऑल द टाइम एंड शी टुक इट एज इफ ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, बट इट वॉज नॉट मेल न्यूट्रिशन and that is why she made a frantic call to Mr. Harriet. तो आप ये लिखिए इसके आंसर में 30 से 40 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is narrator tempted to keep Tricky as a permanent guest? ऐसा गेस्ट तो हमारे क्लिनिक में हमेशा ही रहे, जिसकी मालकिन सुबह एग्स भेज रही है, दोपहर को वाइन भेज रही है, रात को ब्रांडी भेज रही है, इसीलिए वो चाहते थे कि परमानेंट गेस्ट बन जाए। तो क्या लिखेंगे आप, गेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट ट्रिकी इज गेटिंग बेटर आउट ऑफ डेंजर नाउ मिसिज पम्फ्री स्टार्ट सेंडिंग एग्स वाइन्स एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव ऑल दैट टू ट्रिकी, ही एन्जॉयज ऑल दिस फूड विद हिज फ्रेंड्स एंड क्लिनिक स्टाफ, टू कंटिन्यू विद ऑल दिस लग्जरियस राउंड्स ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, आप लिखिए ये आंसर में इसके। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वाई इज मिसिज पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था
वो बहुत सुस्त हो गया था, हमेशा फर्श पे पड़ा रहता था। तो आप लिखिए, बिकॉज ही हैज़ ग्राउन वेरी फैट, ही लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ही हैज़ बिकम लेजी, ही हैज़ बिकम लीसलेस एंड ऑल द टाइम आइडल, ही टेक्स नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग, वॉकिंग, प्लेइंग विद रिंग्स, ऑल डे ही कीप्स लाइंग ऑन द फ्लोर, ही रिफ्यूजेज इवन टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, दैट चॉकलेट केक्स, क्रीम केक्स एक्सेट्रा, and that is why Mrs. Pumphrey is worried about Ricky. You can write this way. Next important question, what was Mr. Harrier's strict advice? Kya usne salah di thi? Bar bar milta tha na usse wo, Ricky se, Mrs. Pumphrey ke ghar. So did Mrs. Pumphrey pay heed to his advice? Kya usne uski salah mani? Mr. Harrier's strict advice was to cut down the sweet things from Ricky's diet. He said that Ricky should be given plenty of exercise, but Mrs. Pumphrey did not heed his advice. She thought Ricky was ill and was suffering from malnutrition. वो सोचते कि कोई बीमारी नहीं है, मिस्टर हैरियर ठीक नहीं कह रहे हैं. And she continued with giving him those cream cakes and chocolates and sweets. तो उसकी सलाह थी एक्सरसाइज और स्वीट्स ना देना, लेकिन उसने नहीं मानी, उसने ये सब देना जारी रखा. तो आप ये लिखिए. पांच नंबर का एक क्वेश्चन आता है, देखिए आप, मिसिज पंपरी हैज़ डीप लव एंड केयर फॉर ट्रिकी. समझते हैं आप ऐसा, कारण दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए. तो आप देखिए क्या हुआ था, मिसिज पंपरी जो थी बहुत उससे प्यार करती थी. शी कंसिडर्स ट्रिकी टू बी हर सन. She is so attached to Tricky that she brought him up in a luxurious way. वो उसको overfeed करती थी. She overfeeds him. She gives him cakes and chocolates, malt cod liver and bowls of Horlicks to eat. इतना प्यार. She is caring. That is why she was having so many beds, all weather beds, cots, bowls and what not. And due to overcare and overeating, when Tricky refuses to eat his favorite dishes and keeps lying on the floor idle, she thinks him to be suffering from malnutrition, and that's why he calls Mr. Harriet, tells him everything. When Mr. Harriet tells her to admit, she finds it difficult to part from Tricky. कि हम कैसे अलग रहेंगे? तो ये उसे जुड़ी हुई थी, emotional थी, and so she decides to send all the accessories with Tricky, those beds, bowls, which were never used in that clinic. He calls Mr. Harriet for fresh bulletins dozen times a day. कई कई बार दिन में उससे वो पूछती है. तो इससे पता लगता है, she even starts sending eggs, cream cakes and chocolate for Tricky in the clinic. She gets emotional जब वो लास्ट सीन आता है, उसको वो लेने आती है आफ्टर 15 डेज. जो Tricky है sails into her lap. She thanks Mr. Harriet by saying it is really a trump of surgery. वो भी जो उसके लिप्स कांपते हैं, उसकी आईज में आंसू आते हैं. Thus we can say that she was really in deep love and caring for Tricky. You can write this thing. So children, this was the summary and exercise of important question which are asked in your exams most frequently. Now as I said, here I give you a quiz. 11 questions हैं, एक एक नंबर के जो आते हैं, आपने मुझे आंसर करना है. बताइए क्वेश्चन वन का आंसर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है. व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग? डॉग का नाम बताइए. आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज. ये आई कौन है? लेसन पढ़ा, बताइए. व्हाट डिड मिसिज पंपरे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? उसको क्या लगता है मिसिज पंपरी को कि ट्रिकी को क्या बीमारी है? पंपरी को क्या लगता है ये बताना है आपने. और मिसिज पंपरी वाज ए डैश लेडी. फोर्थ में बताइए क्या आएगा. फिफ्थ में देखिए, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? मेन फॉल्ट क्या था, क्या कारण था वो. सिक्स्थ में देखिए, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? क्लिनिक में क्या दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया, लिखिए आप. सातवें में क्या पूछा गया है, राइट थ्री मेन करेक्टर्स इन द स्टोरी. एट्थ में बताइए, फॉर हाउ मैनी डेज मिस्टर हैरियट कैप ट्रिकी एट क्लिनिक? कितने दिन वो रखता है. एंड नौवें में बताइए, हाउ डिड ट्रिकी लुक लाइक? वो कैसा लगने लग गया था. वेयर डिड मिस्टर हैरियट
ट्रिकी, और उसको हैरियट कहाँ लेकर जाता है, और लास्ट में 11th बट नॉट द लेस्ट द डॉग एट क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वॉज, आपने बताना है। सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज ऑल अबाउट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी समरी एक्सरसाइज एंड दिस क्विज़। यू एन्जॉय दिस लेसन। आई एम कमिंग विद करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पम्परी इन माई नेक्स्ट वीडियो। होप यू विल ज्वाइन मी देयर ऑल्सो। टिल देन यू एन्जॉय दिस वीडियो। बाय बाय। थैंक यू। लव योर लाइफ। लिव योर लाइफ।